नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भैया जी टेक्निकल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ₹1000 में 4G फ़ोन के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है, ₹1000 में 4G फ़ोन आपको मिलने वाला है। तो कौन देगा, कहां से मिलने वाला है, क्या स्कीम के साथ में आएगा, आइए सर देखते हैं उसके बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी रोचक खबरें टेक के रिलेटेड रोज आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर को लेके ₹1000 में। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिलायंस जियो का लोगो। यही वो कंपनी है जिन्होंने अपने सिम को लॉन्च करके सितंबर में तहलका मचा दिया था, और यही तहलका फिर से ₹1000 के मोबाइल लेकर आ रहे हैं तहलका मचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ₹1000 के मोबाइल की खूबसूरती ये होगी कि ये 4G कॉम्पिटेबल होगा, वोल्ट एनेबल्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये रिलायंस टोटली 4G वोल्ट एनेबल्ड के ऊपर चलता है, तो ये जो आपको ₹1000 में जो फ़ोन देने वाले हैं, ये एक फीचर्ड फ़ोन की तरह ही रहेंगे। आपको फीचर्ड फ़ोन में दिखा दूँ किस तरह होते हैं। जो नॉर्मल हमारे फ़ोन पहले आया करते थे, जो कि एंड्रॉयड वगैरह, ये जैसे आप देख सकते हैं, इस समय एक सैंपल मैंने लिया है, जो कीपैड है, छोटी सी स्क्रीन वगैरह है, इसको कहते हैं फीचर्ड फ़ोन, जिसमें ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती है और अधिक से अधिक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, एंड्रॉयड या उस तरह का नहीं होता है, तो इस तरह का ये रहता है। लेकिन ये 4G एनेबल्ड होगा, वोल्ट एनेबल्ड होगा, जिसके थ्रू आप फ्री में कॉलिंग्स एंड नेट वगैरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि रिलायंस के जो भी प्लान्स हैं जियो के उसी तरह के हैं। और ये आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में से पता चल रहा है कि दो डिवाइसेस लॉन्च होने वाले, जिसके ऊपर कीपैड होने वाले हैं, जैसे आपके ट्रेडिशनल फ़ोन्स में होते थे। लेकिन आप उससे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनकी जियो की जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, चैट हो गई है, मूवीज़ ऑन डिमांड है, और बहुत सारी जो एप्लीकेशन है, मनी वगैरह, ये सारी इस्तेमाल की जा सकती है इस 4G फ़ोन के अंदर, जो कि 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिलने वाला है। और ये ऐसा पता चला कि इन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप किया है, और वहाँ से आने वाले हैं, जो कि इसके अंदर प्रोसेसर वगैरह तो अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन एक आशंका के हिसाब से इन्होंने दिखाया कि स्पेक्ट्रम चाइनीज़ कंपनी का जो प्रोसेसर है चीप लेवल का, वो आएगा, क्योंकि कॉलकॉम मीडिया टेक तो बहुत ही महंगे आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बोला नहीं जा सकता कि रिलायंस वाला क्या देगा आपको। तो ये जो आने की आशंका है, ये आपको मिलने वाले हैं जैन से लेके अप्रैल 2017 के बीच में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए एक इंतज़ार हमको रहेगा कि अभी 2 से 3 महीने का या 4 महीने का हो सकता है इंतज़ार लगे। तो ये एक अच्छी खबर है। मुझे सिर्फ डर इसी बात का है कि जो ₹251 में फ्रीडम वाला फ़ोन आया था, उसकी तरह ये फेक न्यूज़ ना निकले। तो बस भैया जी टेक्निकल में दोस्तों आज के लिए इतना ही। भैया जी टेक्निकल देखते रहिए, आपका दिन शुभ हो, और इस फ़ोन का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे, और फ़ोन आते ही हम आपको रिव्यू जल्दी करेंगे, लेकिन मिले तो सही। चलिए, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।